गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस को डूबता जहाज बताते हुए कहा, उभरते हुए युवाओं को राहुल गांधी कांग्रेस में आगे नहीं बढ़ने देते। इसीलिए मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, 75 साल के उम्र के ऊपर के लोगों ने सियासत पर कब्जा कर रखा है। गृह विभाग के नवाचार पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, जहां पहले आरोपियों को चालान की कॉपी दी जाती थी, लेकिन अब फरियादियों को भी इसकी एक कॉपी दी जाएगी। हमने इससे पहले FIR आपके द्वार की भी शुरुआत की थी। दोनों नवाचार करने वाला मध्य प्रदेश का पहला राज्य है। नरोत्तम मिश्रा ने राजस्थान के सियासी ड्रामे और सचिन पायलट को डिप्टी CM और अध्यक्ष पद से हटाने पर कहा, कांग्रेस डूबता जहाज है, उभरते हुए युवाओं को राहुल गांधी कांग्रेस में आगे नहीं बढ़ने देते। इसीलिए मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, 75 साल के उम्र से ऊपर के लोगों ने सियासत पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा, माताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष बुजुर्गों की चिंता कर रही हैं, बहना बंगले की चिंता कर रही है, राहुल गांधी पार्टी की चिंता कर ले वही बहुत है। कांग्रेस कुछ भी कर ले, ये पार्टी भविष्य में अतीत की वस्तु ही होने वाली है। रूप से एक अच्छी शुरुआत गृह विभाग मध्य प्रदेश ने की है। ये मोबाइल लीजिए, देश के अंदर ये पहला प्रदेश है। अभी तक एक परंपरा थी, अरे यार मेरा तो हाथ आ गया, मुझे नहीं मालूम क्यों ध्यान नहीं गया, पर परंपरा ये थी कि मुजरिम को कॉपी दी जाती थी और फरियादी को नहीं दी जाती थी, पीड़ित को नहीं दी जाती थी, जो अपने आप में ही विचित्र थी। अब एक कॉपी जो पीड़ित पक्ष है, फरियादी पक्ष है, उसको भी देने का विधिवत आदेश जारी हो गया, जैसी हमने पूर्व में घोषणा आपके सामने की थी। ये भी प्रयोग मध्य प्रदेश में ही हुआ है, FIR आपके द्वार। और आप देख रहे होंगे कि एक कॉल पर FIR कराने मध्य प्रदेश की पुलिस आपके घर पहुंचती है। किसी को थाने आना अगर नहीं है तो वो थाने नहीं आए, और उसकी इच्छा थाने जाके रिपोर्ट लिखाने की है तो थाने में रिपोर्ट लिखाए। मैंने फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस डूबता जहाज है। दरअसल राहुल गांधी जी जो भी उभरते हुए युवा हैं कांग्रेस में, उनको आगे नहीं बढ़ने देते, और इसलिए 75 के ऊपर के लोग, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, वो सियासत पर कब्जा किए हुए हैं। वर्तमान परिवेश और परिस्थिति से कटी हुई कांग्रेस से परिस्थितियों के कारण से आ गई है सरकार। झूठ बोलकर, असत्य बोलकर सरकार में आए हुए लोग ज़्यादा दिन नहीं रहते। अपने टूटन का शिकार कांग्रेस होगी और मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी जाएगी। माता जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बुजुर्गों की चिंता कर रही हैं, बहना बंगले की चिंता कर रही है, ये पार्टी की चिंता करने वही पापी है। मित्रों, कांग्रेस जिस तरह से देश के अंदर चल रही है, ये अतीत की वस्तु ही होने वाली है, इतिहास की वस्तु ही होने वाली है। अब ये कुछ भी कर लें, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कन्हैया कुमार जैसे राष्ट्र विरोधी तत्वों का साथ दिया, भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ दिया, देश विरोधी राष्ट्र विरोधी बातें करने वालों का साथ दिया, उससे अब ये जनता का विश्वास हो चुकी है कांग्रेस। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।